आई थिंक लास्ट लेक्चर बच्चों अपना कंपैरिजन हो गया था क्या? डिड आई टीच कंपैरिजन? एक चीज नोट्स देख लेता हूँ मैं ग्रुप में, ने ग्रुप में नोट्स तो भेजे ही थे। हाँ गुड मॉर्निंग सर, लास्ट चीज आपने पढ़ाया था फॉर्म्स ऑफ एलिप्सेस। लेकिन मैंने फिर कोई और से नोट शेयर कर दिए क्या? जस्ट अ सेकेंड। अच्छा मैंने 3 ईयर के नोट शेयर कर दिए थे तुम लोग के साथ। अच्छा। सो वी डिड नॉट डू कंपैरिजन, लास्ट वी डिड वाज जनरल इलिप्स एंड ऑल दैट। ठीक है, याद आ गया। मैंने फिर शायद किसी और बैच के आपके साथ नोट शेयर कर दिए थे आई थिंक, तो देख लेते हैं। चलो तो लास्ट थिंग अपन क्या कर रहे थे बच्चों, इफ आई रिकॉल वी डिड दिस थिंग कि बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी डैश अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस इफ यू रिकॉल। कि यस वाले टर्म के यस सर, ऊपर माइनर एक्सिस आता है और छोटे वाले टर्म के ऊपर मेजर एक्सिस का इक्वेशन आता है, समथिंग लाइक दिस। बट अगर ये याद नहीं रहता है तो भी कंपैरिजन में तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब अपन एक ऐसे प्रॉपर लेआउट बनाते हैं इसका। अब जैसे क्वेश्चन क्या है बच्चों, समबडी इज आस्किंग यू फाइंड लेट्स से इसेंट्रिसिटी, लेट अस रेक्टम लेंथ, फोकस एंड दे कैन आस्क मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, डॉट 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 व्हाट एवर ऑफ सच एन इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 = 1। तो वैसे अगर ध्यान से देखो तो ये कैसे टाइप का इलिप्स है, दिस इज वर्टिकल इलिप्स राइट, क्योंकि वाई के नीचे वाला कॉन्स्टेंट टर्म ग्रेटर है। ओके सो पृथ्वीराज थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, रुक जा पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ टॉपिक। ओके तो वैसे इफ यू रिकॉल मैंने ये वाले इलिप्स के बारे में कुछ भी डेटा नहीं दिया था, आई डिड नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस कि इसका फोकस क्या होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। एंड वी एक्चुअली डोंट हैव टू, वी जस्ट नीड ओनली एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ए ग्रेटर देन बी, उसका अगर डेटा पता है तो इसका डेटा अपन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ट्रिक क्या होता है, एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन पैराबोला तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। व्हाट वी डू कंपैरिजन, तो ज्यादा इनफैक्ट लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया है कंपैरिजन का, तो मैं डायरेक्टली कंपैरिजन सिखाई देता हूँ बच्चों। कंपैरिजन में बेसिकली 3 स्टेप्स होती हैं। कंपैरिजन में क्या क्या करना रहता है, सबसे पहले बिफोर कंपैरिजन, कंपैरिजन के स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट है। व्हाट इज दैट, बिफोर कंपैरिजन ब्रिंग जो भी अपनी इक्वेशन है, ब्रिंग द इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में होना जरूरी है। L1 स्क्वायर के नीचे कुछ कांस्टेंट, L2 स्क्वायर के नीचे कुछ कांस्टेंट, वेयर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, ऐसे फॉर्मेट में होना जरूरी है। कितने बच्चों का आया था सेकंड, जैसा कि जैसा आपने पैराबोला में करा था सेम चीज यहाँ पे लिखा रहा हूँ। देन नॉर्मलाइज लाइंस, याद आ रहा है कुछ पैराबोला में? नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मेट में लिखना। तो अगर मान लो यू हैव एक्स प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 8, तो दिस इज राइट नाउ नॉट नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज फॉर्मेट में नहीं है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा है तो नीचे 4 बचेगा, दिस इज द करेक्ट वे। अगर नॉर्मलाइज नहीं करोगे तो काफी सारी चीजें गलत आएंगी। तो इसमें अपन क्वेश्चन तो करेंगे बट पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ, देन वील सी वॉट टू डू हाउ टू डू एंड एवरीथिंग। तो अब ध्यान से देखो, देन नॉर्मलाइज लाइंस L1 L2। अब नॉर्मलाइज करने के बाद कंपैरिजन क्या करना है, कैसे कंपैरिजन करना है वो समझा देता हूं। वी कंपेयर विथ ऑफ कोर्स ये वाला जिसका अपन को सारा प्रॉपर्टीज पता है, ए ग्रेटर देन बी, और करेंगे कैसे, सच दैट जो भी अपनी इक्वेशन गिवन होगी, जिस इक्वेशन की प्रॉपर्टीज पूछी उसने, सच दैट जो ग्रेटर वाला डिनोमिनेटर है, जो ग्रेटर वाला डिनोमिनेटर है उसको कैपिटल ए बोल दो, ग्रेटर डिनोमिनेटर को कैपिटल ए स्क्वायर, उसको मैं कैपिटल ए स्क्वायर लूंगा, एंड जो ग्रेटर वाला डिनोमिनेटर है उसके अबव वाले टर्म को, एंड टर्म अबव इट उसको कैपिटल एक्स लूंगा। सिमिलरली जो स्मॉलर वाला डिनोमिनेटर होगा बच्चों, उसको मैं बी स्क्वायर असाइन कर दूंगा, एंड टर्म अबव इट बेसिकली बिकम्स कैपिटल वाई, ठीक है, दैट इज इट, दिस इज इट। यही 3 स्टेप्स हैं, यही 3 स्टेप्स पे कंपेरिजन कंप्लीट हो जाता है। तो ऑफकोर्स आधी बात समझ आई होगी, आधी बात समझ नहीं आई होगी, तो बेस्ट थिंग इज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पता नहीं क्या बोल गए सर। तो एग्जाम्पल 1, तो ये जो अपना वाला एलिप्स आया था ना बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 = 1, तो इस वाले एग्जाम्पल में ग्रेटर वाला डिनोमिनेटर कौन सा है, 4,
तो फोर अगर ग्रेटर वाला है तो ये ए स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो? फोर वाले को ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के ऊपर कौन होता है? कैपिटल एक्स स्क्वायर, चलेगा क्या? वैसे लेसर वाला डिनोमिनेटर इज बेसिकली बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के ऊपर आप क्या लिखोगे? कैपिटल वाई स्क्वायर, सो दैट योर ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, समझ पा रहे हो? तो फ्रॉम हियर ए स्क्वायर फोर है तो कैपिटल ए टू मिल गया, बी स्क्वायर वन है तो कैपिटल बी वन मिल गया, कैपिटल एक्स टेक्निकली क्या मिल रहा है? स्मॉल वाई, एंड कैपिटल वाई टेक्निकली क्या मिल रहा है? स्मॉल एक्स. बट अपन को क्वेश्चन क्या दिख रहा है? अपन को क्वेश्चन ऐसा दिख रहा होगा कि फाइंड इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम लेंथ, फोकस एंड फलाना ढिमका. तो कैसे निकालते हैं बच्चों ये सब? ये तो बहुत आसान है. इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इस इलिप्स का, स्टैंडर्ड इलिप्स का, इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होता था, याद आ रहा है? अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर. अच्छा, काम आंसर तो ये लिख दो. तो अपना कैपिटल ए कैपिटल बी आ चुका है. व्हाट इज दैट? 1 माइनस 1 बाय 4 मतलब रूट 3 बाय 2. ओके, सेकंड लेटस रेक्टम लेंथ मांगी है, तो लेटस रेक्टम लेंथ अगर याद हो तो 2 बी स्क्वायर बाय ए होता है. तो क्या बन रहा है? 2 बी स्क्वायर मतलब 1 और ए मतलब 1, है ना? और जैसे उसने पूछा मान लो फोकस, तो फोकस याद करो किसका फोकस पूछ रहा है, वो एक तरीके से इसका फोकस पूछ रहा है. अपन क्वेश्चन को ऐसे चेंज करके ऐसे देख रहे हैं कि यार इसका फोकस क्या होता है. यार इसका फोकस तो मुझे याद है, कैपिटल एक्स क्या होता है बच्चों? प्लस प्लस माइनस जीरो. अब कैपिटल एक्स जो था अपन को इवेंचुअली निकालना तो और इसका है, तो कैपिटल एक्स की जगह क्या रख दो? वाई. तो प्लस माइनस ए कितने बच्चों को दिख रहा है? ए इंटू ई इज प्लस माइनस रूट थ्री, और कैपिटल वाई ओरिजिनली वॉज स्मॉल एक्स. तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो कॉमा प्लस माइनस रूट थ्री. तो ये ध्यान से देखो, इसके फोकस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस आए, हाँ या ना? और आने भी चाहिए थे क्योंकि दिस वॉज बेसिकली वर्टिकल इलिप्स. यस सर, चाहिए थे और आई भी. तो हमको कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है. और कुछ पूछना है उसको तो पूछ लो. वैसे दे आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट्रिक्स, मान लो पूछना है उसको डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स भी अब बहुत ईजी है. कैपिटल एक्स इज प्लस माइनस ए बाई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये बन जाएगी, है ना? तो कैपिटल एक्स मतलब स्मॉल वाई, और प्लस माइनस ए बाई मतलब प्लस माइनस फोर बाई रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री बाई टू. तो वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, आना भी चाहिए था और आया भी, क्योंकि अगर तुम्हारा एलिप्स वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगे. लास्ट क्लास से एक छोटा सा डाउट था कि सर जो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, उसमें जो बड़ा कोएफिशिएंट होता है उसके ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो माइनर एक्सिस का इक्वेशन है ना? करेक्ट. ओके सर, ओके. तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन मतलब ये वाला जो है इसके ऊपर एक्स है, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो इज द माइनर एक्सिस. एक्स नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एक्स एक्सिस थोड़ी होता है माइनर एक्सिस. नो, this equals to zero which is y axis. Yes, that's what was the confusion. Okay, that equals to zero rakho wo equation. So I hope ye idea lag gaya kya, aur example lo ki samajh gaya ki sir matlab baat to wahi hai. This is like sir sir, so directrix hai usme plus minus 2 by root 3 hoga na, a is 2 right? नहीं नहीं, a upon e na, तो a है 2 और e है root. Okay sir, got it, samajh gaya samajh gaya, sorry sir. तो आई होप दिस इज ओके. एक और एग्जांपल लूं कि अब अपन क्वेश्चंस में ही देखेंगे इसको कि दिस इज गुड इनफ. सर कृपया नोट करने दीजिए ना. सो कैन वी कॉपी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एग्जांपल और लेके समझाओ कि समझ गया मतलब सर. आप सर विल डू इट इन क्वेश्चन. समझ गया सर. हमें सॉल्व करने दो सर. हमें सॉल्व. हां, और फ्रैंकली स्पीकिंग ये वैसे एकदम सुपर फालतू चीज है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जेई में ये पूछेंगे कि फाइंड फोकस एंड डायरेक्ट्री. नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स. तो इस पे तीन चार क्वेश्चन कर लेंगे, वी आर गुड टू गो. मतलब मेरे हिसाब से इतना ज्यादा काम का है नहीं, बट पता होना चाहिए. तो इसको कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो, नोट्स अभी बना लो ताकि घर पे तुम प्रैक्टिस कर पाओ. आई डोंट नो बाकी जगह तुम कैसा करते हो बाकी सब्जेक्ट्स में, बट इधर पूरा कॉपी करो, मेक प्रॉपर नोट्स हियर, और घर पे बस सॉल्व करो. घर पे पीडीएफ से कॉपी करने का कोई पॉइंट नहीं है. नील, मैं क्वेश्चन में ही करवा देता हूँ, डोंट वरी नील, मैं क्वेश्चन में ही करवा दूंगा, क्योंकि सेम चीज वापस से करने वाले हैं तो वो रिपीटेशन टाइप होगा. तो अपन इसको क्वेश्चन में टैकल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को. मतलब पैराबोला का कंपैरिजन आ गया, तो मतलब बाकी तीनों, बाकी दोनों का भी थोड़ा सा चेंज है. बस इसमें कंपैरिजन कैसे करना था कि कैपिटल ए के ऊपर कैपिटल एक्स होना चाहिए और कैपिटल बी के ऊपर कैपिटल वाई. इसमें क्या होता था, स्क्वायर वाला टर्म कैपिटल वाई लेते थे, है ना? यस सर. और लीनियर मतलब जो सिंपल वाला उसको कैपिटल एक्स लेते थे. यस सर.
Sir, we got a square is equal to 4, right? So, sir, what about the negative roots minus 2 and minus 1? यार a तो अपन length लेते हैं ना technically तो a को क्यों negative लेगा? Oh, okay sir, okay got. है ना a और भी positive ही लो. मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, आप जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए इसको. चलो थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं मैं नीचे. सर सिर्फ हल्का से ऊपर लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करना था कंपेयर करना. या तो कंपैरिजन तो करना ही है, बट कंपैरिजन के पहले उस फॉर्म में लेके आना जरूरी है. एटलीस्ट इट शुड लुक लाइक एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ ट्रू है. फर्स्ट और सेकंड स्टेप ऑलरेडी ट्रू है. ये ऑलरेडी उस फॉर्मेट में एक्स और वाई परपेंडिकुलर होते हैं, ऑब्वियसली बात है. अगर L1 L2 हमें एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं दिखेंगे तो जैसे पैराबोला में C ऐड करके हम सिंपलीफाई करते थे वैसे ही करेंगे ना? ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मतलब इनफैक्ट इसमें काफी डिफिकल्ट होगा. तो मैं पूरा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ेगा. मतलब आई विल ट्राई टू टैकल दिस इन अ क्वेश्चन, बट वो इतना लेंदी हो जाएगा कि इट विल लाइक टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स टू सॉल्व द एंटायर. मतलब आई एम अज्यूमिंग तुम ऐसा कुछ पूछ रहे हो कि एक प्रॉपर एलिप्स दिया हुआ है जनरल, तो जनरल को इस फॉर्मेट में लाना फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेबस में नहीं है. लाइक जैसे पैराबोला में हमें लाइन स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू अदर लाइन दिया था, बट वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं थी, तो हम उसमें सी ऐड करके उसे परपेंडिकुलर बनाते थे. तो ऐसा आसान होगा नहीं ना पहली बात. और यूजुअली देखो तुम्हें अगर स्टार्ट भी करेंगे क्वेश्चन, अगर जनरल पूछेंगे भी तो फिर तुम्हें पूरा जनरल डिग्री ही देंगे, जनरली पूरा ओपन करके देंगे. इनफैक्ट एक भी परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं देंगे. तो इसको इस फॉर्मेट में लाना बिकम्स वेरी लेंदी. मैं इसका एक थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर वर्जन आपको करा दूंगा. मैं करा दूंगा. सो कैन यू स्क्रॉल डाउन? यस मैं करा दूंगा, डोंट वरी. वेरी एग्जांपल 1 वाला पार्ट हां वहां पे रुक जाओ. हां सर वो जो लास्ट पॉइंट था आपका वो स्मॉलर न्यूमरेटर होगा या स्मॉलर डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर वाला जो छोटा टर्म है, जैसे अपन ये वाला डिनोमिनेटर नंबर फॉर्मूले से तो कैपिटल वी और न्यूमरेटर वाला कैपिटल ए. न्यूमरेटर डिसाइड कौन करता है? डिनोमिनेटर. पहले डिनोमिनेटर के बेसिस पर कैपिटल बी और कैपिटल ए हो गया, कैपिटल ए कैपिटल वाई. ओके सर जल्दी. हाँ चलो तो अब आगे बढ़ते हैं.
let's try to understand parametric equation. Very, very important. Very, very important. In fact, आपने ध्यान दिया होगा कि straight line में भी काफी use था, circle में भी काफी use आया था, parabola में तो बहुत ज्यादा use आया था, ellipse में भी almost सारे question parametric से होंगे. Almost, मतलब not necessarily all. अब इसका parametric equation properly derive करते हैं, फिर अपन देखते हैं. आज अपन ढेर सारे questions करेंगे, ठीक है? चलो. तो what is parametric equation बच्चों? बिफोर आई स्टार्ट विथ पैरामेट्रिक इक्वेशन एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो टर्म जरूरी है. ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है भाई? ऑक्सिलरी सर्कल सिंपल, अ सर्कल विथ मेजर एक्सिस एज डायमीटर. मेजर एक्सिस को डायमीटर बन के सर्कल बना लोगे तो तुम्हारा ऑक्सिलरी सर्कल कहलाएगा, ठीक है? बस फिक्स्ड है. इट्स अ टर्म विच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द एलिप्स. तो अपना एलिप्स क्या दिया हुआ है? x square by a square plus y square by b square equals to 1. Okay, तो अपन इसका proper diagram बना लेते हैं. Diagram जरूरी है इसका. Then और circle. तो ये वाला circle पहले बना देता हूँ, ठीक है? फिर एलिप्स बनाता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा. तो ये देखो एलिप्स कैसा बन रहा है, लेट्स से ऐसा. तो थोड़ा समझ आ रहा है कि मेजर एक्सिस इज डायमीटर अगर मैं बनाऊंगा तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टच द एलिप्स एट वर्टाइसेस. देखो डायग्राम आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. मेजर एक्सिस इज डायमीटर, दिस इज द एलिप्स एंड दिस विल बी द ऑक्सिलरी सर्कल. ये ब्लैक वाला सर्कल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द एलिप्स. ओके, तो साफ साफ दिख रहा है ऑक्सिलरी सर्कल ए सी. इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी यार? ऑब्वियस सी बात है, सेंटर और रेडियस ए होगा. तो सबसे पहली बात, ऑक्सिलरी सर्कल विल ऑलवेज बी कॉन्सेंट्रिक विथ एलिप्स, ये बात याद रख लो. और रेडियस किसके बराबर होगा? मेजर एक्सिस के बाय 2, मतलब पहली मेजर के बराबर होगा. अब अपन ये क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखो. बहुत सिंपल है. एक काम करते हैं, सर्कल पे अगर एक रैंडम पॉइंट लेना है तो कैसे फॉर्मेट में लेते हैं? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये तो याद ही है. यस सर, यस सर. कि a cos थीटा a sin थीटा ऑन सर्कल, ऑन ac मतलब ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है? बट मुझे सर्कल पे पॉइंट थोड़ी चाहिए, आई एक्चुअली वांटेड अ पॉइंट ऑन एलिप्स. तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो. ड्रॉप ऑर्डिनेट या फिर वर्टिकल लाइन फ्रॉम p मीटिंग एलिप्स एट आर. तो मैं काम कर रहा हूँ, ये पी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ बच्चों. ये देखो, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉप करूंगा तो कहीं ना कहीं एलिप्स को मीट करेगा. इनफैक्ट ये जो आर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना, क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है पी का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा. बट मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा एलिप्स के साथ. x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो x को a cos थीटा रख दो तो साफ साफ दिख रहा है, x को a cos थीटा रखोगे तो क्या मिल रहा है बच्चों? cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1. डायरेक्टली लिख दूं? यस सर, यस सर. तो इसका मतलब है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? b sin थीटा. मतलब एक पॉइंट ऊपर आएगा a cos b sin और नीचे वाला पॉइंट. But I don't really care about नीचे वाला point. I wanted to find the coordinate of R. तो मुझे R का coordinate मिल गया ना? R का coordinate क्या आ चुका है बच्चों? R is a cos theta b sin theta. This is it. हो गया अपना parametric equation बन गया. ये देखो. Parametric equation of ellipse क्या होती है बच्चों? Almost same as circle. Ellipse पे एक point कैसे format में लिख सकता हूँ मैं? A cos theta b sin थीटा चलेगा. एनी पॉइंट ऑन एलिप्स कैन बी टेकन एज a cos थीटा b sin थीटा. तो ऑलमोस्ट सेम एज सर्कल, बट इसमें a cos b sin होता है. अभी क्या भी रटा जाने चाहिए बात, ठीक है? इसमें पैरामीटर कौन है बच्चों? अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो विच पार्ट इज पैरामीटर? थीटा. 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 पैरामीटर इज थीटा, जिसका नाम भी होता है और ये नाम याद रखो, एंड इट इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट आर, ठीक है? अगर मैंने आर को लिया है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा तो इसेंट्रिक एंगल होता है थीटा. थीटा इज कॉल्ड द इसेंट्रिक एंगल. सो फार सो गुड. और थीटा इज बेसिकली जीरो टू टू पाई.
थीटा का रेंज होगा 0 से 2 पाई. तो देखो हो क्या रहा है, हम एक ऐसे पॉइंट आउट ऑफ द ब्लू ऐसे क्लियर करना चाहता हूँ. तुम्हें हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है. द क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर. पहले क्रक्स ऑफ डिस्कशन भी लिख ही देता हूँ, फिर कॉपी कर लेना अच्छे से. क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, अगर अपना ये वाला एलिप्स गिवन है तो इस पर अगर पॉइंट अज्यूम करना ही है तो उसको क्या लोगे बच्चों, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. आपने सर्कल में भी ये क्या था, आपने पैराबोला में भी ये क्या था. अगर पॉइंट लेना ही है तो यू नेवर टुक इट एज एक्स वन बाई वन, यू ऑलवेज टुक इट एज ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा. पैराबोला पे अगर रेंडमली अज्यूम करना ही था तो यू ऑलवेज टुक इट एज 80 स्क्वायर 280. तो जैसे एलिप्स पे पॉइंट लेना है तो ऑलवेज टेक इट एज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, ये काम की चीज है. बट एक छोटी सी गलती होती है हम लोगों से, तो वो मैं ऐसे क्लैरिफाई कर रहा हूँ, नॉट दैट इट इज इम्पॉर्टेंट. अब तुम बार बार ऑक्सिलरी सर्कल नहीं बनाओगे. पॉइंट लेना है ले लो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो हम आगे करने वाले हैं. बट कभी कभी कुछ कुछ बच्चों के मन में ऐसी आदत डेली रहती है तो वो पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ. ज्योमेट्रिकली कई लोग ऐसे एसोसिएट करने लगते हैं कि ये थीटा है. डू अंडरस्टैंड, ये थीटा नहीं है यार, थीटा ये है नहीं यार, ये थीटा नहीं है. ये बस याद रख लो कि इसको थीटा मत ले लेना. वी एक्चुअली विल नेवर बी यूजिंग, ऑलमोस्ट नेवर, कि थीटा है कौन सा एंगल, हम नहीं यूज कर देंगे. बट जस्ट इन केस अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना भी कि अच्छा कौन सा एंगल थीटा है, तो तुम्हें समझ आ रहा है इसको उचका दो सर्कल पे, ये वाला एंगल थीटा होगा. बात समझ रहे हो? इट इज नॉट नीडेड, जरूरत नहीं है. बट मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इसको मत थीटा ले लेना, ये थीटा मत ले लेना, वो गलती कर लोगे. तो हमें एक्चुअली ज्योमेट्रिकली सोचना ही नहीं कि थीटा कौन सा एंगल है. अगर यूज आ रहा होता तो सोचते, बट यूज ही नहीं आ रहा तो क्यों सोचूं, सीधी बात. एक सेकंड हैंग हो गया. तो ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है. बस मैं बोल रहा हूं अगर पॉइंट अज्यूम करना है तो ऑलवेज अज्यूम ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. और तुम्हें समझ आ रहा है, पी जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल पॉइंट पी को तुम सर्कल पे ट्रेस करोगे, अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे पी पॉइंट को, तो तुम्हें समझ आ रहा है आर पॉइंट यू विल गेट ऑल पॉसिबल पॉइंट्स ऑन एलिप्स. यस सर. ठीक है, तो वो ऑक्सिलरी सर्कल वाले पॉइंट के सपोर्ट से ये बनता है एक तरीके से. बट अब ठीक है, सपोर्ट बन गया, उसके बाद तो यही रटना है हमें. तो आई होप इतना सबको क्लियर हो. तो इसको जल्दी से छापो और नेक्स्ट पार्ट पे अपन बढ़ते हैं. जल्दी जल्दी छापना, ठीक है सर. आपने थीटा 0 to 2 पाई लिया, इसीलिए हमने माइनस बी साइन थीटा नहीं लिया है ना, क्योंकि वो प्लस में ही सब एकोमोडेट हो जाएगा सारा पॉइंट. हाँ, सही है. ओके सर, जस्ट वन ऑफ देम यू हैव टू कंसीडर ना. तो अपन ने थीटा करें 0 to 2 पाई, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट सर्कल पे घूम जाऊंगा तो पूरा कंप्लीट एलिप्स मिल जाएगा. जल्दी जल्दी कॉपी करो. सर अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ? यस सर, नीचे स्क्रॉल कर दो. अच्छा ये कॉपी हो गया क्या? हाँ सर, ऊपर वाला. नहीं सर, एक मिनट. नहीं सर, नहीं सर, आराम से, जल्दबाजी भी नहीं है. 2 मिनट. अच्छे अच्छे से पूरा प्रॉपर नोट्स बना लो, अच्छे अच्छे से प्रॉपर कॉपी कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है. वी कैन कंसिडर एनी पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल. हाँ पुष्कर, अगर कोई सा भी पॉइंट लोगे तो वो इवेंचुअली आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ही तो आएगा. एंड हाँ, ऑफकोर्स एक बच्चा पूछ रहा है, बट ये प्रिटी ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज ओनली फॉर स्टैंडर्ड एलिप्स. नॉन स्टैंडर्ड एलिप्स वैसे तुम्हें आएगा ही नहीं, बट अगर आएगा तो कंपैरिजन से उसकी पैरामेट्रिक क्वेश्चन निकाल सकते हो. कंपैरिजन से उसकी पैरामेट्रिक क्वेश्चन निकाल सकते हो, बट आएगा ही नहीं. पॉइंटलेस है, मतलब जबरदस्ती इसमें अपन को घुसना. सर आपने जो वर्टिकल लाइन पी से ड्रॉप किया वो परपेंडिकुलर है? पी से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉप करा है, हाँ, मतलब ऐसा वर्टिकल है ना. ओके, x equals to a cos theta. सो कैन यू स्क्रॉल डाउन अ बिट? या यही है फाइनल. वैसे भी दिस इज फाइनल, यहीं तक है. तो कॉपी करो, अब इस पे और थ्योरी अपन एक्सपेंड करते हैं.
ज्योमेट्रिकली थीटा का हमको कोई यूज नहीं है ना, हमको बस डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करना है ना, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट अज्यूम करो और सॉल्व करो, मतलब व्हिच एक्चुअल एंगल इज थीटा ऑलमोस्ट नहीं आएगा काम। सर हम लोग जैसे पैराबोला में करते थे, जैसे टी एलिमिनेट करते थे, तो इसमें थीटा को एलिमिनेट करना ना। हाँ करेक्ट, इफ यू वांट, अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है और ओरिजिनल इक्वेशन निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन, तो थीटा एलिमिनेट कर दो। करेक्ट सर, तो जब फिर शिफ्ट के वाले हम लोग एलिप्स यूज करेंगे सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमें a cos x1 को a cos y1 को पीछे निकल लेना है क्या? देख देख ही लेते हैं एक एग्जांपल, बट ये कॉपी मत करना, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड। अगर इसका है पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? cos थीटा y cos to b sin थीटा, तो बेसिकली कैपिटल एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे? एक्स माइनस वन, समझ आ रहा है? और कैपिटल वाई को क्या पुट कर दोगे? वाई प्लस टू। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी, समझ गया ना कंपैरिजन से? यस सर। आप लोगों को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं डाल रहा हूँ, यू डोंट नीड इट। तो मैं एलिप्स में ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड ही आएगा, जेई ने स्टैंडर्ड के अलावा आज तक कुछ पूछा ही नहीं है, देख लो ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हम नॉलेज तो रखते हैं बाकी चीजों का भी, बट उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नोटेड नोटेड सर, थोड़ा सा नीचे नोटेड सर। हाँ एक मिनट सर करो। हाँ हाँ कर लो कर लो, मैं थोड़ा सा बचा के रख रहा हूँ अभी। अरे पैरामेट्रिक तो हो गया, सॉरी ये लिख रहा था मैं, थोड़ा एक लाइन ऊपर ले। अबे कितना स्लो लिख रहा है बे, इसे ड्रॉप, हाँ बस ड्रॉप वर्टिकल लाइन। हाँ तो मतलब यू आर राइटिंग इट वेरी स्लोली। सर वी डोंट हैव टू नोट द एग्जांपल राइट दैट यू रोट बिलो, up to you, मैंने लिख दिया तुम्हारे ऊपर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं। फोकल रेडाई फ्रॉम थीटा, तो दिस थिंग इज वेरी यूजफुल फॉर इलिप्स, तो मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं, देखो बचा हुआ, अगर कॉपी करना है तो कर लो। हाँ तो व्हाट इज फोकल रेडियस, याद आ रहा है? फोकल रेडियस और फोकल लेंथ जो भी बोलना है आप लोगों को। तो जैसे ये एक एलिप्स है बच्चों, और एलिप्स पे मैंने लिखा है ना फ्रॉम थीटा, तो एक पॉइंट लेना ही पड़ेगा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, यू विल हैव टू कंसीडर ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब फोकल रेडियस का मतलब क्या होता है? P से इस फोकस को भी कनेक्ट करो और P से इस फोकस को भी कनेक्ट करो, PS एंड PS डैश। तो फोकल रेडियस आर PS एंड PS डैश, PS एंड PS डैश आर फोकल लेंथ और फोकल रेडाई, जो बोलना है बोल लो। तो ये दोनों बहुत काम आने वाले हैं, तो इसको डिराइव ही कर लेते हैं। तो S तो क्या होता है बच्चों? S AE कॉमा जीरो, और S डैश क्या होता है? माइनस AE कॉमा जीरो। तो PS निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले क्या? नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूले से बेटर अपने पास क्या है बच्चों? लेट अस डू दिस थिंग। हमें डेफिनेशन पता है ना, तो डेफिनेशन यूज करते हैं ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स? एलिप्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? PS is equal to E PF upon PM is the करेक्ट। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि एक काम करो यार, सिंपल है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग PS कैन बी फाइंड दिस डिस्टेंस PM डिस्टेंस, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये देखो बहुत इजी हो गया है, ये फिलहाल y एक्सिस है, ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ। तो देखो PS is E times distance from directrix PM, तो PM distance निकालना है, देखो कितना आसान है, सुन लो। टोटल कितना है बच्चों? ये टोटल पूरा डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक, ये टोटल तो ए बाई होता है, उसमें से इतना कैंसिल कर दो ना बस, तो उतना बचेगा। तो ये छोटी सी चीज तो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ ना, अगर P थीटा है
थीटा वाला पॉइंट है तो ये a माइनस a cos थीटा होता है. सिमिलरली ps डैश, तो ps डैश क्या बन जाएगा बच्चों, e टाइम्स pm डैश. तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली ये वाला लाइन है, तो e टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स ऐसा, ठीक है. तो e टाइम्स pm डैश का मतलब क्या हुआ, e ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा बच्चों, प्रीटी ऑब्वियस, दिस डिस्टेंस इज टोटल ए सॉरी ए बाई, ए बाई में थोड़ा सा ये ऐड करना है, तो ए बाई वेरी गुड. तो क्या बन रहा है वो सिंपल, विदाउट मच कैलकुलेशन दिस प्लस ऐसा, तो सबको दिख रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी ए प्लस ए कॉस थीटा पी एस डैश, और पी एस डैश ए प्लस ए कॉस थीटा है, तो हमें दोनों मिल गए और दोनों याद हो गए अभी के अभी. PS is a minus a cos theta, दूसरा वाले is a plus a cos theta, ठीक है? काफी important result है और इसको बहुत अच्छे से use करेंगे हम आने वाले. सर हल्का scroll करो ना, बस हल्का one line, बस 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 इतना बस. लिख लो कोई नहीं. हाँ, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, एक ऐसी टिप दे रहा हूँ, छोटी सी टिप है, काम आ जाए तो आ जाए. If we know some result, सम फॉर्मूला और वट एवर रिजल्ट फॉर एस, मतलब इस फोकस के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला है, कोई प्रॉपर्टी है, वट एवर, ठीक है, देन सेम रिजल्ट, वही का वही रिजल्ट फॉर एस डैश, मतलब दूसरे वाले फोकस के लिए सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, लिटरली यही होता है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग e by minus e की जगह माइनस ई रख दो, तो तुम्हारा वही रिजल्ट एस डैश के लिए आ जाएगा. तो तुम्हें हर बार दोनों फोकस के लिए डिराइव करने की जरूरत नहीं है. तो अभी एक बात याद रख लो कि हम जो भी करेंगे एक ही फोकस के लिए करेंगे, दूसरे के लिए कैसे एक्सटेंड करेंगे, अगर e का टर्म है तो e की जगह माइनस ई डाल दो, तुम्हारा दूसरे फोकस वाला रिजल्ट आ जाएगा. मेक सेंस, ठीक है? यस सर. यस सर. चलो तो एक काम करो, रुको अभी कॉपी मत करो, मेरे को थोड़ा सा एक और छोटा सा पॉइंट बताना है, फिर कॉपी कर लेना, ठीक है? जस्ट वेट फॉर इट. एक और छोटा तो ये देखो, फोकल रेडाई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, ये एकदम अभी के अभी क्लियर कर लेते हैं. ऑल्टरनेट डेफिनेशन, तुमने इनफैक्ट अभी तक इसको ज्यादा सुना होगा, आई एम अज्यूमिंग, ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स. इलिप्स को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, बट वो दोनों बातें सेम ही है, वो बोलने वाली बातें बट है सेम ही चीज. इट इज ऑल्सो लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कॉन्स्टेंट. याद आ रहा है ये डेफिनेशन, सबने पढ़ा है? सम ऑफ डिस्टेंसेस कॉन्स्टेंट, सबने पढ़ा ये डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन भी काम की है, हमको याद रखना है. बट मैं पहले ही कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ, विल सी दिस, ऑफकोर्स एक एक करके देखते हैं, बट ये जो दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं बच्चों, ये दोनों फिक्स पॉइंट्स आर नथिंग बट द फोसाई ऑफ द एलिप्स ओनली, ये एलिप्स के फोकस ही होते हैं, ठीक है? और ये जो कॉन्स्टेंट होता है ना, ये कॉन्स्टेंट किसके बराबर होता है, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है. लेट अस सी वन बाय वन, बट ये पॉइंट याद रख लो, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है? तो अभी मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, प्रूव करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. ये देखो, अपन ने इसलिए तो ये फोकल रेडाई निकाल के रखा हुआ है. क्लियरली यू कैन सी पी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इज अ पॉइंट. अगर मैं थीटा को वेरी करूंगा तो आई विल गेट ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स ऑन इलिप्स, सारे पॉइंट्स मिलेंगे मुझे. तो इवन इफ पी इज वेरिएबल, पी एस और पी एस डैश का सम देखो क्या बन रहा है, फ्रॉम अबव जो अपन ने ऊपर डिराइव करके रखा है, पी एस और पी एस डैश का सम क्या मिल रहा है हमेशा, क्या होगा? कितने बच्चों को दिख रहा है पीएस और पीएचडी भले वेरिएबल पूरा सम इज ऑलवेज 2a चलेगा. तो एज यू कुड सी कि एलिप्स है तो सम ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट होगा ही होगा. आई होप इट मेक सेंस. तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं एस और एच डैश, वो फोकस ही होते हैं, और ये जो कांस्टेंट आता है ना ऐड करने के बाद, ये मेजर एक्सिस के बराबर होता है, ठीक है अभी तक? यस सर. बट इसको मैं उल्टा देख रहा हूँ, देखो अभी कंफ्यूज करने वाला हूँ मैं आपको, बट ये करना जरूरी है. जेई ने इस पे बहुत कंफ्यूज किया बच्चों को आधी चीज पता रहती है तो सब गलत करके आ जाते हैं. तो ध्यान से देखना, p वेरिएबल एंड a कॉमा b फिक्स्ड पॉइंट्स सच दैट, उसने दिया ये है तुम्हें, ठीक है?
such that pa plus pb is k and apparently k is also a constant. ठीक है, then locus of p क्या जाएगा बच्चों? उल्टा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो फट से इलिप्स मत लिख के आ जाना. रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बट समझना इसको अच्छे से. इज इलिप्स इफ इफ is segment AB if ये तुम्हारा constant K decide करेगा कि constant K की value कितनी दी हुई है. अबे constant तो है but कितना constant है उससे फर्क पड़ेगा. Let me explain it to you. ये देखो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा. इसमें actually तीन cases बनेंगे, जरूरी है ये. तो ये देखो A और B फिक्स पॉइंट्स है और P वेरिएबल है. अगर P को इलिप्स ट्रेस करना है, इफ P हैज टू ट्रेस द इलिप्स, देन डू अंडरस्टैंड ट्रायंगल PAB भले ही वेरिएबल हो बट ट्रायंगल बनना तो जरूरी है ना, PAB बनना जरूरी है. तो अगर ट्रायंगल PAB एग्जिस्ट करना जरूरी है तो इसकी कंडीशन भी ट्रू होना जरूरी है. व्हाट इज द कंडीशन? सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, हां या ना? अगर P वेरिएबल तो ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल बन रहा है तो सम ऑफ टू साइड्स मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. मतलब तभी सर ने हमको बताया था कि there will be three cases. These are the same three cases. अच्छा रिफ्लेक्शन वाला बोल रहे हो क्या? मेरे को लगा फिजिक्स वाला रिवर बोर्ड. नहीं 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 नहीं, not physics, not physics. हाँ ये वाला the distance. बताऊंगा बट इसका थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन होता था. इसमें तो होता था कि पी ए प्लस पी बी मिनिमम होगा, अभी अपन मिनिमम मैक्सिमम नहीं देख रहे हैं. मतलब क्या बोलूं मैं, ये तो सर ने लोकस का हमने बोला. हाँ सर, ये इसके साथ लिंक नहीं किया था सर ने, अलग से बताया था वो 2 डिग्री कब बता रहे थे. अच्छा ये हो चुका है बट ये रिफ्लेक्शन रिवर बोर्ड से इसका कोई ज्यादा, वैसे थोड़ा सा लिंक करेंगे व्हेन वी स्टडी द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, बट अभी फिलहाल ये ओके सर, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन. चलो तो मैं बोल रहा हूं कि PA + PB व्हिच इज गिवन K, तो अगर K AB से बड़ा होगा तभी तो ट्रायंगल बनेगा, तभी तो P ऐसे मस्त एलिप्स पे घूमेगा, है ना. बट अगर के ए बी के बराबर हो गया, के ए बी के बराबर हो गया, स्ट्रेट लाइन बनेगा. सम ऑफ टू साइड्स टू थर्ड साइड दे दिया, तो ये तो जब ही पॉसिबल है जब पी ए और बी के बीच में लाई कर रहा हूँ. स्ट्रेट लाइन भी नहीं, सेगमेंट इंटरनली कोलिनियर हो, देखो ना, तभी पी ए प्लस पी बी ए बी हो सकता है. तो लोकस विल बी ओनली सेगमेंट ए बी, ए और बी के बीच में, है ना. और अगर के ए बी से छोटा हुआ तो ऑब्वियसली बात है नो लोकस. अबे PA plus PB AB से छोटा कैसे हो सकता है? There is no point B such that PA plus PB is less than AB. समझ आई मेरी बात? Yes sir. तो कॉन्वर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिटरली ये वाला क्वेश्चन JE ने पूछा है, ये लिख देता हूं मैं. उसने पूछा है एग्जाम्पल, यहां लिख देता हूं मैं. क्या रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन? तो जल्दबाजी में पोपट करके आ जाओगे अपना. क्या रिप्रेजेंट करता है ये? स्ट्रेट लाइन. दिस इज अ लाइन, मतलब पोर्शन ऑफ अ लाइन, बट ठीक है लाइन तो है ना. लोकस इज स्ट्रेट लाइन, वैसे सेगमेंट ए बी और लाइन ए बी. अरे सेगमेंट ए बी क्या लिख रहा हूं. तो बेसिकली हमें वो दो पॉइंट्स निकाल के डिस्टेंस निकालना है उनके बीच में, और देखना है ना कि वो 6 से बड़ा है छोटा है. वैसे दिख रहा है ना, तो ये क्या दिख रहा है? x, y का सबको दिख गया होगा ना, p x, y का डिस्टेंस किन दोनों पॉइंट्स से है? -3, -3, -3. तो PA + PB दिख रहा है, ये डिस्टेंस फार्मूला, और वो किसके बराबर दिया हुआ है? 6 के बराबर.
तो एक्चुअली जो तुम्हारा के है वो एपी के बराबर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज लाइन। तो कई बच्चे देख के सीधा रहे तो पीए प्लस पी भी कॉन्स्टेंट टिक करके आ जाते हैं लिस्ट, पर थोड़ा सा ध्यान देना बस चलेगा। प्रॉपर जेईन ने पूछा ये क्वेश्चन, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस थिंग। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो कि समझा। डाउट है सर, कृपया नोट कर लीजिए ना। ग्रेटर देन सी करते थे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, तब तीन केसेस लेते थे हर साइड का, तो अभी हम लोग एक ही केस लेके कैसे बोल रहे हैं सर? नहीं, कैन यू रिपीट दैट, मेरे को अच्छे से नहीं समझा। जब स्कूल में हम करते थे कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, तो हम तीन केसेस तीनों साइड से लेते थे कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी होगा। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही केस लिया कि p प्लस बी ग्रेटर देन सी a k होगा, तो उससे कैसे प्रूव हो रहा है? उससे कैसे प्रूव हो रहा है? You mean to say कि why did we not consider other two sides in adding and greater than देखना? अच्छा ये ओके यू मीन टू से कि ये ए है, ये बी है और ये पी है, तो ट्राइंगल बनने के लिए ये तो हो गई पी ए प्लस पी बी, दोनों भी होगा ना सर? हाँ, बाकी दोनों ए बी प्लस बी पी मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन पी ए, बट पी ए प्लस बी भी कॉन्स्टेंट भी तो दिया हुआ है, ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है ना पी ए प्लस पी बी, और ए बी भी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। हाँ, मतलब फर्क पड़ेगा ना, क्यों नहीं यार, पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट है, तो एक एक्स है एक सिक्स माइनस एक्स है, और दूसरा वाला कॉन्स्टेंट भी दिया हुआ है सेवन, तो अपन अब तो डिसाइड कर ही सकते हैं ना कि यार अगर दिस प्लस दिस वाला कॉन्स्टेंट फोर है, तो दिस प्लस दिस अगर इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है दिस प्लस दिस इससे बड़ा हो गई, मतलब तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तो एक्स सिक्स माइनस एक्स और फोर, तो अब तू मुझे बता इन तीनों में से कोई सा भी दो ले ले, सम तीसरे से बड़ा होने ही है, है ना? वो ठीक है, दिख रहा है, तो वो बाकी वाले को कंसिडर करने का पॉइंट नहीं था इसलिए अपन ने किया नहीं, बट यस इफ दिस इज ट्रू देन द अदर टू विल बी ट्रू बाय डिफॉल्ट। सर दिख रहा है एक साइड और बाकी दोनों सम का है, सर ये जो है सर ये लेंथ AB है ना? हां AB इज इस वाले सर, एक बार फोकल रेडियस वाला दिखाऊंगे क्या? अरे मैं पूरा कॉपी करने के लिए दे रहा हूँ, पूरा पूरा अभी तक अपन ने कॉपी नहीं किया है, बट एक चंक थोड़ा सा तो एक काम करो यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करो, और अब कुछ भी डाउट आ जा रहा है पूछते जाओ, पहले इतना कॉपी कर लो और जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी अभी से स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी लिखो, और अब कुछ भी आ रहा है डाउट पूछो। सर आप जब ये अल्टरनेट डेफिनेशन पढ़ाते सर, देन I was disconnected sir. आपने नीचे उधर लिखा था कुछ PS plus PS dash is equal to 2A. ये देखना. सर आपने उधर exactly किया क्या था? ये देखना, ये देख. अच्छा okay sir ये. और sir आपने उधर constant. अगर theta variable है, तो PS और PS dash variable होंगे और P ellipse पे move करेगा. Yes. But when it is variable, इन दोनों का sum हमेशा क्या है? Constant. 2A. है ना? Okay sir. तो मैं नीचे कॉपी कर लेना, जब और पूछना तो पूछ लेना, बट जल्दी जल्दी लिखो उसको, एकदम जल्दी जल्दी। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चंस, अपन ने काफी थ्योरी कर ली और क्वेश्चंस पर भी ध्यान नहीं दिया, अब मैं क्वेश्चंस कराता हूं, तो इसको जल्दी कॉपी करो, जरा हल्का सा नीचे स्क्रॉल कर दोगे? हां दो मिनट बस ये कॉपी कर लेना, बच्चों को डायग्राम बनाने में टाइम लग जाता है। When will I make group? I have already made group. क्या बात कर रहे हो? मैंने ग्रुप तो बना दिया NAPJC 1 तुम 1 2 3 बैच ही हो ना, कोई और तो नहीं हो? जहां तक मुझे याद है 1 2 3 के मैंने दो ग्रुप बनाए, इनफैक्ट किसी एक ग्रुप में भी नहीं हो। कौन है ये बालक? सब तीन बनाए शायद से। नहीं नहीं मैंने दो ही बनाए। ध्रुव I have already made groups. दो ग्रुप बनाए NA 1 2 वाले। ग्रुप वन ग्रुप टू और दोनों बच्चे हैं ऑलरेडी ज्वाइन। लिंक अगर चाहिए हो तो वापस मुझे मैसेज कर देना, मुझे मैसेज कर दे, मैं ही लिंक कर दूंगा। सर कुड यू प्लीज स्क्रॉल डाउन? यस सर सेकंड, ये मेरा नंबर, स्क्रॉल डाउन करना प्लीज। हां हां ये मेरा नंबर है, इस पे मैसेज कर देना।
चलो थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं मैं इतना। सर ये जो लास्ट एग्जांपल आपने जो करवाया उसमें हमें स्ट्रेट लाइंस में एक शॉर्टकट दिया था, वो वैसे नहीं कर सकते मतलब फिर उससे वो एलिप्स आता है, पर आपने तो स्ट्रेट लाइन लाइन आया ना सर आपने बताता बता यू एक्सप्लेन मी हाउ डू यू गेट एलिप्स फ्रॉम हियर, इस इक्वेशन से एलिप्स कैसे आएगा बता दे मुझे कैसे आएगा। नहीं वो सर ने तो अभी सिर्फ एक शॉर्टकट सिखाया था इसके लिए। हाँ तो वो शॉर्टकट इस पे डिपेंड करेगा ना, इस पे भी ये टर्म क्या है, क्या रैशनलाइजेशन शॉर्टकट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नहीं सिर्फ आइडेंटिफाइंग द कोनिक। ओके देन अप्लाई योर शॉर्टकट एंड आइडेंटिफाई, क्या ही है, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट बट व्हाटएवर यू हैव लर्नड आइडेंटिफाई करो, या तो फिर मुझे शॉर्टकट बता दे क्या बात कर रहा है, व्हाट वाज द शॉर्टकट You tell me. अगर ये क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्टली देखने का तो यही तरीका है जो मैंने लिखा है, अगर ऐसा है तो। बाकी आई डोंट थिंक और कुछ तरीका होगा, और होगा तो भी उससे भी आंसर तो सेम ही आएगा यार, आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा यार। जो भी डाउट सेशन है वो अपन नेक्स्ट वीक रख पाएंगे, इस वीक तो फुल स्लॉट एकदम फुल बुक्ड है, नेक्स्ट वीक के लिए मेरे को बात करनी पड़ेगी। तो काफी बच्चे ने मैसेज किया है कि तुम्हारा पैराबोला 2A2B बाकी है, तो डिस्कस करना हो तो अपन को एक रखना पड़ेगा सेशन, बट नेक्स्ट वीक ही रख पाऊंगा। सर ऑल्टरनेट डेफिनेशन कॉपी करना करो 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 कॉपी करो, इतना ही है। Noted, sir. करो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चालू करता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉपी करते जाओ, मैं क्वेश्चन लिखना चालू करता हूँ, और मैं थोड़ा सा इजी एकदम पप्पू लेवल से धीमे 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 लेवल बढ़ा के थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, तो स्टार्टिंग में इजी करते हैं। तो ये जो अल्फा की कंडीशन है दोनों क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है ना? हाँ हाँ हाँ
also that alpha belongs to 0 to pi by 2 is for both sub question 1 and 2. एक काम करो, इतने का स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से ग्रुप पे पोस्ट कर दो, नहीं तो फिर बार बार बच्चे बोलेंगे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। तो अभी के अभी स्क्रीनशॉट लेके कोई एक अच्छे से ग्रुप पे पोस्ट कर दो, फिर वहां से रेफर कर लेना सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी और क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। आपने ऊपर जो अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स दी, उसमें जो कांस्टेंट लेंथ है हर टाइप के एलिप्स के लिए हमेशा मेजर एक्सिस लेंथ होगा। सर एक बार जो ऊपर नोट लिखा है वो दे दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक सेकंड, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, फिर खाली कर दे देता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट डाल दो, एज लॉन्ग एज इट इज एलिप्स, ये वाला जो टर्म होगा ये हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होगा 2a। इसका स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दो ग्रुप पे बच्चों। चलो अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं थोड़ा सा ऊपर। हां किसी को इसका लेना है स्क्रीनशॉट तो इसका भी ले लो। सर उधर आपने लिखा था एसेंट्रिक एंगल ऑफ लैटिस रेक्टम, सर वो मतलब क्या था उसका? लैटिस रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज मतलब इफ यू रिकॉल एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम मतलब ये चार पॉइंट्स, बट दीज आर पॉइंट्स ऑन एलिप्स ना, तो अगर ये एलिप्स पे पॉइंट है तो इनका कुछ ना कुछ थीटा होगा ना। Yes, है ना, सोचो। वैसे इसका कोऑर्डिनेट पता ही है तो थीटा भी पता ही है, वी ऑलरेडी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, सो फाइंड द करेस्पोंडिंग थीटा। Yes, तो सर बेसिकली हमें वो पैरामीटर फाइंड करना है जिससे हमें LR का एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट मिलेगा। अरे लिख देना लेट द पॉइंट बी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो थीटा आ गया ना, क्योंकि हमें वो कोऑर्डिनेट तो एनीवे पता है। तो हाउ मच टाइम आई गिवन टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? करते जाओ ना, वन से लेकर स्टार्ट करो, जितने जितने जल्दी जल्दी होते आ रहे हैं करते जाओ, स्टार्ट करते जाओ। ओके सो क्वेश्चन वन का जो सेकंड वाला है उसमें यू हैवंट टोल्ड अल्फा इज इट लेस देन पाई बाय 4 आल्सो बिकॉज़ लाइक डिसाइड नहीं हो रहा। हां तो वही मेरा क्वेश्चन है भाई, टेंशन है हो जाएगा, इसके बाद हाँ, अब ये वाले थोड़े अच्छे सम से, थोड़े मतलब अच्छे सम से, क्वेश्चन 30 एंड क्वेश्चन 14 ऑफ एक्सरसाइज 3, तो धीमे धीमे इनका लेवल बढ़ रहा है, तो यू विल फाइंड क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 आर ओके ओके, इतने कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट थोड़ा सा जहरीला है, बाकी आई थिंक भी धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा अच्छा होगा, क्वेश्चन 6 थोड़ा सा अच्छा होगा, फिर ये वाले बढ़ते बढ़ते काफी अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। अपन हर लेक्चर में इजी क्वेश्चन भी करेंगे, मीडियम भी करेंगे और दो तीन एकदम बम्बू लेवल भी करेंगे। तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेके डालना है तो डाल दो ग्रुप पे, ताकि ये पता रहे कौन से क्वेश्चन करने हैं। चालू करो, चलो ठीक
ठीक है, एक एक करके अपन डिस्कस करते जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो ग्रुप पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो कोई भी एक। अब अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, चालू करो। चलो क्वेश्चन वन से, अब किसी को भी क्वेश्चन रेफर करना है तो रेफर टू द ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स। पर क्वेश्चन 2 मिनट्स। और कोई डाउट आ जाए तो पूछ लेना, आई एम वेटिंग। चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले वाले का आंसर आ गया सबका, सबको दिख रहा है कैपिटल है, और कैपिटल भी निकालो, एक्स और वाई निकालने की जरूरत नहीं है। कौन सा इनमें से बड़ा होता है, सेक स्क्वायर की टेन स्क्वायर? ऑब्वियसली सेक स्क्वायर। तो बी हो गया टेन अल्फा। तो सेंट्रिसिटी क्या बन रहा है, रूट ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर। टेन स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी। तो सेंट्रिसिटी इज जस्ट कॉस अल्फा। और लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 2b स्क्वायर बाय a, तो 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय sec अल्फा। ऑब्वियस सा था ये, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आपने बड़ा छोटा x y से निकाला ना, मतलब x के नीचे जो है। बड़ा छोटा तो देख के समझ आता है, sec स्क्वायर और टेन स्क्वायर में से कौन ग्रेटर है ये बताओ। इनफैक्ट x और y बड़ा छोटा देखने के बाद समझता है, इनमें से कौन बड़ा होता है, ऑब्वियसली sec स्क्वायर ग्रेटर होता है, क्योंकि square is 1 plus tan square, तो ये इससे बड़ा हो गया ना 10 से। ओके सर, सर तो हम एक्स और वाई देख के नहीं बता सकते ना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, बराबर ना सर? उल्टा उल्टा, अरे पहले ए डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर वाले को कैपिटल एक्स बोलते हैं, राइट? ओके ओके सर, तो उल्टा बोल रहा है भाई, एक्स और वाई देख के और भी डिसाइड नहीं करते हैं, ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए, उसके बाद एक्स और वाई डिसाइड करना है। ओके ओके, थैंक यू सर। सेकंड आ रहा है, जल्दी ट्राई करो। सेकंड में 3 केस होंगे बेसिकली, हाँ वो, बट तीसरा वाला केस अपन इग्नोर करेंगे कि अपन सर्कल इसमें नहीं कंसीडर कर रहे हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अल्फा पाई बाय 4 है, तो वो सर्कल बन रहा है, तो सर्कल बन रहा है तो इसेंट्रिसिटी बोल दो, बट लेट अस रेक्टम वी विल नॉट कंसीडर इन सर्कल, तो अल्फा पाई बाय 4 को एक्सक्लूड कर लो। सर एक बार रिपीट करेंगे आपने क्या बोला सेकंड पार्ट में? वैसे तुमको खुद को क्लियर होना चाहिए बात की, सेकंड पार्ट में अगर मुझे इसेंट्रिसिटी निकालना है तो आई नीड टू डिसाइड विच वन इज कैपिटल ए विच वन इज कैपिटल बी, कौन ग्रेटर है, कॉस स्क्वायर की साइन स्क्वायर।
सर नहीं डिसाइड कर सकते हैं, 0 टू पाई बाय 2 नहीं होगा डिसाइड। तो फिर केसेस बनाओ ना, 0 से पाई बाय 4 एक पॉसिबिलिटी बन सकती है या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, तो दो आंसर आएंगे इसके। क्वेश्चन इटसेल्फ वाज एम्बिगुअस सो इट हैज टू आंसर्स डिपेंडिंग अपॉन अस। अल्फा 0 टू पाई बाय 4 है तो बेसिकली cos अल्फा ग्रेटर देन sin अल्फा होता है ना, ये तो सबको पता ही है। तो ए ये हो जाएगा cos अल्फा इज ए एंड sin अल्फा इज बी। तो इसेंट्रिसिटी क्या बन गई, रूट ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। पाई बाय 4 में आपने कुछ सर्कल के रिलेशन में बोला था ना कुछ। हाँ पाई बाय 4 पे क्या होगा, अगर cos अल्फा पाई बाय 4 है तो ये सर्कल ही बन जाएगा। तो ये सर्कल बन जाएगा ना, तो उसको अपन एक्सक्लूड करते हैं यार, अपन एलिप्स की बात कर रहे हैं। हाँ तो वो मैं संभावनाओं को समझो बस, मतलब ठीक है फाइन। इस वाले केस में सडनली साइन cos से बड़ा हो जाता है पाई बाय 4 के बाद, तो कैपिटल ए साइन अल्फा बन जाएगा और कैपिटल बी cos अल्फा बन जाएगा। इस वाले केस में इसेंट्रिसिटी क्या बन रही है बच्चों, थर्ड ट्राई करो। थर्ड भी अच्छा है कि गंदा है, मतलब ये देख के क्लिक हो रहा है कि इज इट अ गुड एलिप्स और अ बैड एलिप्स। गुड एलिप्स सर, एक्स वाई नहीं, गुड एलिप्स। हां एक्स वाई नहीं है सर उसमें, तो अच्छा है। टू वाई टर्म नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर एक्स वाई टर्म नहीं है तो ये मैक्स टू मैक्स क्या होगा, शिफ्टेड होगा ना बच्चों। यस सर, वी लव टू मेक परफेक्ट स्क्वायर्स। हां बस कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन है ये। अगर x y टर्म नहीं है तो सिंपली x और y के परफेक्ट स्क्वायर बना लो, आंसर आ जाना चाहिए। तो बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, वो तो तुम्हें आते ही है, क्वाड्रेटिक से परफेक्ट स्क्वायर ही सीखते आ रहे हम लोग। तो सर इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, बस x y टर्म नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर से काम चल जाएगा। बट मैंने एक क्वेश्चन जानबूझ के फोर्थ वाला दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा उसको टच करना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, बट अभी फुल कॉन्सेप्ट को टच नहीं करूंगा। अभी मैंने क्वेश्चन डिजाइन ऐसा किया कि वो सॉल्वेबल है, बट दैट डज नॉट टेक केयर ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट अस रेक्टम 2b² बाय a, तो इसमें लेटेस्ट रेक्टम क्या बन जाएगा, 2b² बाय मतलब 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय sin अल्फा इस वाले केस में, और इस वाले केस में लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b² बाय मतलब 2 sin स्क्वायर अल्फा, अच्छा ये अल्फा है सॉरी, 2 sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos अल्फा ऐसा कहलाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बन गया बच्चों इसका, साफ दिख रहा है यार, 12x, तो 4 times x² minus 3x, तो x² 3x के साथ 9/4 आएगा बच्चों, और ऐसे y² 6y है, तो y² 6y के बाद constant term 9 आना चाहिए, तो मैंने दोनों साइड ऐड क्या करा है, 9 plus 9, 18 ऐड करा है दोनों साइड, 18 ऐड करूंगा तो प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, देख लो एक बार। तो आई होप एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस थिंग कि ये प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज 4 बन रहा है, 18 माइनस 4 यस, तो ये बन गया बच्चों x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय 4 इज 1। तो अब सबको दिख गया होगा कैपिटल a इज 2 कैपिटल b इज 1, तो आगे अब ठीक है निकाल लो यार, मतलब फाइंड डॉट डॉट डॉट।
सब कुछ आ ही जाएगा। फोर्थ वाला आपको जो सही लग रहा है पहले तीन चार मिनट खुद से सोचो, फिर अपन साथ में सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाले का अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि तुमसे पूरा सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ वाला मैंने डेटा अच्छा दिया है तो वो क्वेश्चन सॉल्वेबल है, बट अगर डेटा चेंज करोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन अगर मन करा तो एकदम लास्ट में करेंगे, बट वो सिलेबस के बाहर है। नहीं यार मानवी नहीं उसका परपेंडिकुलर है, दोनों में 3x लिख दिया, वो y plus 3y ऐसे। एक काम करो, जो आपने लिया है वो वापस से पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मतलब ये इक्वेशन बन रही है क्या, सोचो। ओके आई विल डू दैट सर। ट्राई करके देखो, वैसे नहीं बनेगा मतलब एक बार सोच लो। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट भी कैसे करें, हमें इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और यही चीज मैंने सिखाई नहीं है आपको। आई हैव नॉट टॉट यू दिस, बट फिर भी आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो लेट्स सी कितने बच्चों को चमकता है, पहले आप ट्राई कर लो। सर ये इक्वेशन x और y में सिमेट्रिक है, तो लाइक एक x प्लस y होगा, एक में x माइनस y होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हां सर 4x प्लस y द होल स्क्वायर प्लस x माइनस y द होल स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 8। ऑसम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, गुड। तो यू ऑब्जर्वड इट। तो देखो इसमें जैसे कि बच्चों ने बोली दिया है, सारे पत्ते खोल ही दिए, तो अपन डिस्कस कर ही लेते हैं साथ में, ठीक है। अब देखो एक तरीका क्या होगा, एंड स्पेशली ओनली दिस क्वेश्चन वाली बात है, आई एम नॉट सेइंग कि सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, बट यही वाला क्वेश्चन अपन ऐसे कर रहे हैं। तो मेथड वन क्या हो गया, नोटिस दिस, एक्स और वाई को स्वैप करो। इफ यू इंटरचेंज एक्स एंड वाई देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स हुआ कि नहीं, बताओ। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दैट। इसका मतलब y माइनस x इक्वल टू जीरो इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हाँ या ना? एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री y इक्वल टू x होगी, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्रिक है ऑब्वियसली, तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होगी। अब ध्यान से देखना, दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए कितने बच्चों को समझा, अगर इसका स्लोप 1 है तो उसका स्लोप क्या होगा, माइनस 1। बट कहते कि वो ऐसा टाइप का हो सकता है ना, सी कैसे निकाले, बात समझ आ रही है? यू अगर गट फीलिंग तो सबको आ रही है कि y = minus x, अरे बट कांस्टेंट भी तो हो सकता है, मतलब इट कैन वेरी वेल बी y = x एंड ऐसा वाला, ऐसा बन सकता है ना, जरूर थोड़ी कि वैसे ही हो। तो इसके लिए देखो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा जस्टिफाई करने का, ये देखो सेंटर निकाले। हाँ, और सेंटर निकालना भी नहीं है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ ना, देखो ये तुम कुछ जस्टिफाइड फील करोगे अगर 2 डिग्री इक्वेशन में लीनियर टर्म्स नहीं है, सेंटर 0 0 आएगा। इफ नो लीनियर टर्म्स मतलब सेंटर 0 0 जस्ट है, लिटरली निकाल के देख लो। लो सेंटर निकालते कैसे हो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 10x + 6y और बाकी दोनों 0 बन जाएंगे, तो 2x / 2x = 0 ये बनेगा। डू अंडरस्टैंड, 2x / 2y = 0, तो ये वाला 0, 6y plus 10x equals to 0. कितने बच्चों को समझ रहा है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 याद है? Yes, sir. तो तुम्हें इनफैक्ट सेंटर निकालने की जरूरत भी नहीं थी, मैं डायरेक्टली क्या बता रहा हूँ कि अगर लीनियर टर्म्स नहीं है तो सेंटर 0 होगा कोनिक का। इज दिस ओके? इलिप्स का, सॉरी कोनिक क्यों बोल रहा हूँ, इलिप्स का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंटर हमें पहले ही पता पड़ गया देख के इक्वेशन, विदाउट इवन फाइंडिंग द सेंटर, फिलहाल देख के समझ आ गई कि इसका सेंटर 0 0 है। अगर सेंटर 0 0 है तब तो पक्का इसका दूसरा वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, सेंटर से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है y plus x equals to y plus x। तो अब जाके हम वी आर कंप्लीटली श्योर कि यार दूसरा वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही होगा, प्लस कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसका सेंटर से पास होना जरूरी है। तो अगर मुझे दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गई है तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि इक्वेशन कैसा होना चाहिए बच्चों, ऐसा टाइप का होना चाहिए कि नहीं, बताओ।
दिख रहा है अपॉन ऐसा एल वन स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर बाई के टू स्क्वायर इक्वल टू वन दिख रहा है। और के वन के टू निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको दिख रहा है यार, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अब। तो ये इतना गैस करने के बाद थोड़ा सा रीअरेंज कर लो बस यार, कितने बच्चों को दिख रहा है ऐसा लिख रहा हूँ देखो। अबे बस बोलो, डेटा ऐसा दिया हुआ है कि ज्यादा सोचना नहीं है। 5x2 5y2 मतलब 4x2 प्लस 5y2 और एक x2 प्लस y2 और 6 को क्या लिख दो 8 - 2, समझ रहा है क्या? तो वंस वी गेट L1 L2 तो K1 K2 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो मैंने डायरेक्टली ऐसे एनालाइज करके लिख दिया। सर वोंट बी रैशनल वो नॉर्मलाइज है अभी अभी तो मैंने यहां तक लिखा है, उसके बाद अपन जो भी करते हैं करते हैं। ओके सर, तो फाइनली तो ऐसा बनेगा, फाइनली तो चलो ठीक है पूरा फॉर्मलाइज करके ऐसा बनेगा, ये इक्वेशन बन रहा है। तो सबको समझा कैपिटल A टू कैपिटल B इसमें, जल्दी बताओ। जी सर, सर आप लास्ट लाइन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो ये तो समझा था ना कि मुझे अगर L1 L2 मिल चुकी है तो अब मुझे बस ये कॉन्स्टेंट टर्म्स गेस करने कि यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट आएंगे, राइट? मतलब ऐसा टाइप का बस गेस करना है कि क्या लू C1 C2 कि मेरा ओरिजिनल इक्वेशन से मैच कर जाए, है ना? तो देखिए ना, गेस कर लेना कि ये क्या लिखूं कि C1 C2 क्या हो कि लाइक वो गेस हो जाए, पूरा प्रॉपर वर्क अराउंड हो जाए अच्छे से। ओके सर, जस्ट एक चीज नहीं समझ आ रहा है कि इतना तो समझा कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि y = x पे सेम आ रहे हैं दोनों, बट इससे हमें ये कैसे पता चला कि अबाउट y = x भी सिमेट्रिक होगा? ये पहले y को x के अबाउट सिमेट्रिक पता पड़ा क्योंकि इक्वेशन ही वैसी दी हुई है। इफ यू स्वैप x एंड y इक्वेशन डिडंट चेंज, तो y = x इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमें पहले ही पता पड़ गया जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन, राइट? उसके बाद तो फिर एवरीथिंग फेल इनटू लाइन। ठीक है, इसमें लीनियर टर्म्स नहीं है इसलिए सेंटर ओरिजिन आ गया, तो अपना कैलकुलेशन अच्छा पड़ गया। सर एक स्लीड डाउट है। बोलो सर, आपको y यार उसका आवाज कट गया, कोई और बता सकता है क्या क्वेश्चन था उसका? मेरे को सुनाई नहीं दिया। इज ही आस्किंग y + x कैसे आया? Is he asking y plus x कैसे? सर आपको इक्वेशन में y plus x क्या? अरे ये होता है ना, वापस से ओरिजिनल अपन ने जब पढ़ा था तो याद आ रहा है L1 square by K1 square L2 square by K2 square equals to 1, L1 L2 basically major और minor axis ही तो होती हैं। ओके सर, सॉरी। Axis of symmetry, तो अपन को axis of symmetry दो लाइंस मिल चुकी हैं, तो L1 L2 मिल चुका है अपन को basically। यस सर। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि दिस स्क्वायर होगा और फिर वो कांस्टेंट तो मैंने एडजस्ट कर लिया देख के कंपेयर कर करके ओरिजिनल इक्वेशन से। सर वो ए ए वो लाइक ए का वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब क्यों यार? बिकॉज़ लाइक K1 K2 इक्वल्स 8 आ रहा, तो K1 4 है और K2 1 है, तो K1 K2 इक्वल्स 4 होना चाहिए ना, मुझे 8 आ रहा। तुमने कहीं गलती करी होगी, सोचो एक बार। हाँ ये एक बार देख लो, कहीं गलती तो नहीं लिखी है मैंने? नहीं यार मेरे को तो सही दिख रहा है, इसके बाद डिवाइड करके यही बनेगा। नहीं नहीं सर, मुझे लाइक 3 इक्वेशन आ रही है K1 और K2 में, तो उसने दो इक्वेशन से 4 और 1 आ रहा है, बट थर्ड इक्वेशन लाइक वो नहीं सैटिस्फाई कर रहा। क्या कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, मैंने बोला x + 1 का होल स्क्वायर / k1 स्क्वायर ऐसे फॉर्मेट में बनना चाहिए, y - x का होल स्क्वायर / k2 स्क्वायर मस्ट बी 1, ऐसे फॉर्मेट में बन जाना चाहिए। तो कंपेयर करके देख लो ना यार, कंपेयर करके बनना चाहिए, इवेंचुअली इट शुड कम इन दिस फॉर्मेट ओनली। तो बस चेक, हाँ चेक करके देख ले वापस से, नहीं तो व्हाट्सएप पे देख ले। हाँ बन जाएगा यार, ऑफ कोर्स जब इक्वेशन लिखे हुए तो बन ही जाएगा, मिल ही जाएगा K1 K2। एनीवे नेवर माइंड, मैं क्या बोला था, ये मेथड बन हो गया। दूसरा मेथड देखो, अगर मान लो यू डिड नॉट रियलाइज कि y = x अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या करोगे? तो ये देखो, ये जरूरी नहीं कि ये भी क्लिक हो जाए, बट मैंने डेटा ऐसा दिया हुआ है कि ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें सबसे इरिटेटिंग टर्म कौन सा है इस वाली इक्वेशन में? xy
Can we get rid of xy? Can we get rid of xy term? कुछ ऐसा याद आ रहा है जिससे अपन x into y वाला term completely भगा सकें? y को 1 by x डालना? नहीं, तुम समझे नहीं. Homogenization? No. समझा कुछ? ऐसा कुछ पढ़ा है कभी बचपन में शिफ्ट एंड रोटेशन में? सर हमको नहीं करवाया. हां सर, एक्चुअली हमें सर ने बोला था कि शिफ्ट एंड रोटेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने कहा नहीं था करने को, तो किया नहीं. अच्छा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मतलब यस ही इज राइट कि लाइक इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट कहीं कहीं यूज आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में यूज आ रहा है. बट ऐसा इतना याद है कि अच्छा एक जनरल टू डिग्री इक्वेशन है, तो अगर मैं शिफ्ट करता हूँ ओरिजिन तो आई कैन गेट इट ऑफ लीनियर टर्म्स. याद आ रहा है, अगर मैं इसे शिफ्ट करता हूँ तो लीनियर टर्म्स वैनिश करवा सकता हूँ शिफ्ट करके, और रोटेशन से एक्स वाई टर्म वैनिश हो जाता है. ऐसा याद है कुछ बाय एनी चांस? की बिल्कुल भी याद नहीं है. सर हमें मेन क्लास में कराया ही नहीं, हमें रिकॉर्डिंग भेजी थी, फिर हम बोला कि ऑप्शनल है, तो फिर छोड़ो अभी फिलहाल इसको. अब ये फिर पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तो फिलहाल छोड़ो. वैसे भी ये क्वेश्चन मेरा बस इंटेंशन ये था कि ये क्वेश्चन वैसे पूछेंगे नहीं, बट अगर कभी भी पूछा तो थोड़ा सा अपन ने टच करा है, थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ है. मेथड टू अगर पता होता तो और आइडिया लग जाता था, बट छोड़ो अब ठीक है. अभी वो मैं इसको एकदम एंड में कराऊंगा, एकदम एंड में मतलब जब एलिप्स खत्म हो जाएगा तब अपन थोड़ी सी आड़ी तिर सी चीजें और सीखेंगे, ठीक है? अभी इतना, अभी मेथड वन करते हैं. सर जो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया है उधर तो k is less than av, तो सर लोकस हो गई नहीं ना? नहीं, क्यों, k greater है, 6 है भाई k. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है, बट वो 6 है, k is greater than av, सही है वो. ओ सॉरी सर, लास्ट स्टेप बस ये था कि y plus x का होल स्क्वायर, l1 स्क्वायर ये है, y minus x का होल स्क्वायर, l2 स्क्वायर ये है. तो कैन वी फाइंड सम कांस्टेंट टर्म्स k1 स्क्वायर और k2 स्क्वायर सच दैट ये हो जाए l1 स्क्वायर बाय k1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर बाय k2 स्क्वायर 1. ये होता है ना एलिप्स, l1 l2 आर बेसिकली योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकल गई, तो अब अपन को k1 स्क्वायर और k2 स्क्वायर निकालना है. तो आई थिंक ये आएगा k1 स्क्वायर विल कम आउट टू बी 2, ऐसा टाइप का. कंपेयर करके देख लो ना इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से कंपेयर करके यू कैन जज k1 स्क्वायर एंड k2 स्क्वायर, यू कैन जज k1 स्क्वायर एंड k2 स्क्वायर. आई थिंक k1 स्क्वायर 2 आ जाएगा और k2 स्क्वायर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा. ऐसा देख लो कि कुछ और आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, पता नहीं. हाँ सही कर रहा हूँ, ये आ जाएगा. जस्ट कंपेयर करके इससे अपन को मिल जाएंगी वैल्यूज k1 k2 की. एक चीज नहीं समझ आ रही कि x को y से रिप्लेस करने से हमें समझ कैसे आ रहा है कि सिमेट्रिक अबाउट y. अरे अगर y equals x और y स्वैप करता हूं, x और y स्वैप करता हूं और सेम इक्वेशन बनती है, इसका मतलब क्या होता है? ये तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है ना, x और y को स्वैप करके सेम इक्वेशन बनती है, या फिर इनफैक्ट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में पढ़ा होगा, x एंड y स्वैप कर रहा है सेम इक्वेशन बनी है, इसका मतलब है f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, और f अगर खुद ही का इनवर्स है तो इसका मतलब है उसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y cos x होगा. ऐसा ओके सर, है ना? तो y cos x इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके चलो क्वेश्चन 2 ट्राई करो, आई थिंक वी हैव लिंगर्ड लॉन्ग इनफ ऑन दिस कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन 2 ट्राई करो, बहुत इजी है बच्चों, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो क्वेश्चंस के थ्रू जो लर्निंग होगी ना वो कहीं नहीं होगी. क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो स्ट्रगल होता है ना उसी में सबसे ज्यादा लर्निंग होती है. तो इसका इसेंट्रिसिटी पूछा है मैंने, तो फिर आपको ऐसा लग रहा होगा ना पढ़ाया है नहीं बट पूछ जबरदस्ती रहे, तो सोचो कैन वी फिगर इट आउट, दिमाग दौड़ाओ. गॉड हैज गिवन यू अ गिफ्ट, यूज दैट गिफ्ट. कैसे इसको यूज करूं, पढ़ा तो दिया और क्वेश्चन सॉल्वेबल है बट आपको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा. फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स, निकालो क्या क्या डेटा दिया हुआ है इनडायरेक्टली.
Sn S dash given है, very good. और क्या given है? K दिया हुआ है. बस और अब कोई बी निकालने के लिए बोले तो निकाल सकते हो क्या? कोई माइनस हाँ या ना, ए और ई पता है तो बी भी पता ही है, ए और ई पता है तो बी भी पता ही है. यस सर. ऐसे ही ठीक है. सर आपको पता था, आपको दिखा कि 6 इज ग्रेटर देन 4, तो वहां से आपको आ गया एलिप्स. हाँ एलिप्स आया ना. देख ए और बी फिक्स पॉइंट्स क्या क्या है साफ साफ दिख रहा है. एक फिक्स पॉइंट माइनस टू कॉमा जीरो और एक फिक्स पॉइंट टू कॉमा जीरो, तो फोर है. बट राइट साइड वाला कॉन्स्टेंट सिक्स है, तो के ग्रेटर देन ए बी है तो एलिप्स तो है. एलिप्स है, क्वेश्चन वैलिड है. चलो क्वेश्चन थ्री सोचो. थर्ड का आंसर आ गया. वैसे थर्ड वाले में सॉल्व कुछ नहीं करना है, ओरल ही करना है बस. एनीवन? ऑल है क्या सर? ऑल? चलो ठीक है देख लेते हैं. ये वाला पॉइंट अपन ले लेते हैं, a cos theta b sin theta. सर ए बी डी है, ए बी डी है, डी ई है. सर डी एफ है क्या? हमें साफ साफ दिख रहा है या तो cos theta को e लिख लो, which is same as sin theta को b by e लिख लो, दोनों बातें सेम है, पोटेटो पटाटो. ये क्या बन रहा है, या तो थीटा को cos inverse e लिख सकते हो या फिर थीटा को sin inverse b by लिख सकते हो, सेम बात है. तो मुझे सोच के बताओ, अगर ये थीटा है तो इसका मिरर इमेज वाला पॉइंट होगा ना, ये कौन सा पॉइंट होगा बताओ. इसका इसेंट्रिक एंगल गेस कर सकते हो, जस्ट आउट ऑफ गट फीलिंग पूछ रहा हूँ. वेरी गुड, पाई माइनस थीटा, समझ रहे हो, एकदम मिरर इमेज वाला पॉइंट. तो फिर मुझे ये वाला बताओ, ये वाला डायमेट्रिकली अपोजिट एकदम पाई प्लस थीटा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. और इसका 2π - θ. तो फाइनल आंसर कौन सा है इसका बच्चों बताओ. फाइनल आंसर कहां गया, ये वाले में फाइनल आंसर कौन सा है? ए बी डी ई आएगा. ओनली बी एंड डी, only b and तो आपको कैसे पाई माइनस से एक बार वापस स्पिन करोगे? अरे देखना ऐसे ऐसे वाली बात है ना, समझ आना चाहिए ना कि जैसे ये एलिप्स है, तो अगर मैं ये लेता हूँ a cos theta b sin theta, तो इसका मिरर इमेज वाला उल्टा वाला पॉइंट ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस a cos theta कॉमा b sin theta, तो e का माइनस ही हो गया इसलिए. हाँ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया ना, तो a cos pi minus theta b sin pi minus theta type बोल सकता हूँ ना इसको, right? minus a cos theta को मैं a cos pi minus theta and b sin pi minus theta बोल सकता हूँ ना, तो उसका eccentric है. Yes, okay, sir. Sir,
अभी आप कुछ थीटा को नेगेटिव नहीं ले सकते ऐसा कुछ बोल रहे थे वो बता रहा हूँ उसका आंसर लिख रहा हूँ फाइनली बस ये देखो अगर सेंट्रिक एंगल पूछा है तो ये ए आंसर क्यों नहीं है क्योंकि ए में माइनस भी दिया हुआ है बात समझ रहे हैं यस सर तो कितने बच्चों को समझा ए टेक्निकली आंसर नहीं है हैड इट बीन दिस तो ए आंसर हो जाता ना हैड इट बीन दिस यस सर प्लस माइनस दोनों दिया हुआ तो मैं ठीक नहीं कर सकता उसको कितने बच्चों को समझा सी भी इसलिए पोपट हुआ है ये भी आंसर हो जाता बट मैंने प्लस माइनस दोनों कर दिए तो एक्चुअली टेक्निकली वो आंसर नहीं हुआ समझ आ रही मेरी बात जस्ट बिकॉज इट इज एक्सीडिंग 2 पाई का रेंज ओके तो करेक्ट आंसर इज ओनली बी सी सॉरी बीई ठीक है यस सर हाँ तो चलो टाइम इज अप तो एक काम करो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना एजेंडा सेट कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर अपन और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे चीजें अच्छे अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर अभी टेंजेंट स्टार्ट नहीं होगा और कुछ कुछ चीजें बतानी इसी चीज पे बट अभी अपने तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है एनी हाउ और ये सुबह सुबह जैसे लेक्चर चालू होगा पहले मैं ये डिस्कस करूंगा फिर थ्योरी आगे बढ़ाऊंगा ठीक है ये तो क्लास में बट होमवर्क दे देता हूँ एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये होमवर्क तुमसे ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा इसमें मुझे डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इन चैप्टर वन के कुछ कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो सारे कर लेना शायद तुमने थोड़े बहुत कर लिए हो और 1A 1 to 24 कर सकते हो दे आर ऑलमोस्ट सेम एज व्हाट वी डिड इन क्लास यही वाले क्वेश्चन हैं वो पप्पू से हैं बहुत इजीली हो जाएंगे ठीक है बहुत इजीली हो जाएंगे तो इतना होमवर्क है ये कंप्लीट कर लो और वो वाले क्वेश्चन जरूर करके आना वो मैं डिस्कस करूंगा क्लास में ये चार क्वेश्चन जो बच रहे ना ये करूंगा मैं क्लास में ओके तो करके आना सर आप वापस वो होमवर्क दिखा सकते हो क्या एक बार मैं पीडीएफ तो वैसे भी भेजने ही वाला हूं सर एक चीज पूछनी थी बोलिए सर आपकी जो किसी को सुनाई दी क्या इसकी आवाज सर दैट्स इन चैप्टर 2 राइट हां स्क्रीनशॉट लेके रख दो यार क्या पूछ रहे थे लेक्चर होगा हां लेक्चर इज ओवर अगर हो गया कॉपी करके तो यू कैन डिस्कनेक्ट किसी को कुछ सर थैंक यू अगर तुम्हारा डाउट ये था कि ये वाले को थीटा लिया तो उसको पाई माइनस थीटा क्यों लिया बहुत नहीं सर वो मैंने सर मेरा क्या डाउट था कि अपने जो पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा निकाले सब कॉमन सेंस से निकाला ना कि क्या पे माइनस ही हो रहा है तो फिर कॉस को नेगेटिव कैसे करेंगे फिर ऐसे भाई नहीं तो जैसा आपको समझे यार कि ऑब्वियस सी बात है सर्कल पे ये थीटा है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा ऑब्वियस सी बात है ना पाई माइनस थीटा समझ रहे हो ना तो उसका सेंट्रिक एंगल पाई माइनस थीटा ही होगा नहीं तो कोऑर्डिनेट से सोच लो If it is minus a cos theta, comma b sin theta. इसका mirror image है ना ये वाला point. Centric angle pi minus theta होगा ना इसको आप a cos pi minus theta, b sin pi minus theta लिख सकते हो जो जैसे आपको अच्छा लगे यार ये थोड़ा कॉमन सेंस आइडिया आ रहा है हाँ वो कॉमन सेंस ही लिखा था पहले मैंने नहीं तो आपको ऐसे समझ जाता ऐसे में ठीक है सर ये क्वेश्चन 3 आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कैसे हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नहीं समझा ये तो बता अच्छा सेंट्रिक एंगल निकालना है तो मैंने सर आप पहले इसेंट्रिक एंगल किसे बोल रहे हैं मुझे वही एक बार वो समझ अगर इफ आई टेक द कोऑर्डिनेट एज ए कॉस थीटा कॉन्स्टेंट थीटा देन थीटा इज कॉल्ड द इसेंट्रिक एंगल राइट थीटा इज द इसेंट्रिक एंगल राइट नो सर तो उसने बोला कि लेट अस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी का इसेंट्रिक एंगल निकालो तो मैंने बोला चलो लेट अस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी को मानता हूं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा बट लेट अस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी तो गिवन है ऑलरेडी ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय हां है ना यस सर तेरा थीटा आ गया ना ये तो Yes, sir. But eccentric angle लग रहा है, but चार extremities होती है। तो first quadrant वाले का अगर ये आया है, तो second quadrant वाले का pi minus theta होगा, है ना? Yes, sir. Third वाले का pi plus theta और fourth quadrant वाले का two pi minus theta, तो चार वो सारे options आ गए, ठीक है? Okay, समझ गया sir. Thank you so much, sir. चलो, take care, bye bye. मैं अभी share कर रहा हूँ. Sir, ये in chapter 2 है ना? या one? Chapter 1 है. Okay, okay. चलो, bye.